नमस्कार, स्वागत है आपका खबर योगी तक में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर जालौन से आ रही है। कानपुर एसटीएफ व जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर के भवनापुर गांव का रहने वाला आरोपी नरेंद्र निषाद डकैती के मामले में चल रहा था फरार। गिरफ्तार आरोपी पर जालौन व फतेहपुर जनपद में दर्ज हैं कई संगीन मामले। जहानाबाद थाना क्षेत्र की ग्राम अमौली तिराहा से गिरफ्तारी, डकौर थाना पुलिस व एसटीएफ कानपुर की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। कल दिनांक 25/8/2023 को थाना डपोर हुआ एसटीएफ की कानपुर यूनिट द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में मुकदमा अपराध संख्या 16/22 धारा 395/412 IPC के डकैती के अभियोग में वांछित चल रहे नरेंद्र निषाद सनाफ राम प्रसाद और भवनापुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस अभियुक्त पर 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित था। ये बड़ी उल्लेखनीय सफलता है। इसमें इसके ऊपर करीब 6 में पहले से फंसे थे जो गंभीर धाराओं में है। ये किशनपुर थाने का मजारिया अच्छा है। पिछले डेढ़ वर्ष से ये थाना से वांछित चल रहा था डकैती के मामले।